हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला प्रॉब्लम्स इन इंडियन गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम। ये वीडियो मेरे लिए पर्सनली बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इन टर्म्स ऑफ यू नो अरेंजिंग द कंटेंट, बिकॉज मैं खुद गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री का पार्ट हूँ। बट एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक मैं पहुँचाऊँ, क्योंकि इसके ऊपर जब तक बात नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देख लीजिए ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस आउट ना हो पाए। मैं बहुत सारे टॉपिक्स को टच करने वाला हूँ, तो जो भी आपको टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी पार्ट के ऊपर स्किप कर सकते हो। सबसे पहली बात करते हैं बजट्स के बारे में। इंडिया के अंदर गेम डेवलपमेंट को ज़्यादा बजट नहीं मिलता या फिर लो बजट गेम्स बनते हैं। अगर आप बाहर के कंट्रीज़ में देखो तो जो भी गेम्स बन रहे हैं वहाँ पे उनकी बजट्स जो रहती है वो टेंस और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाते हैं। रिसेंटली जो भी लीक्स हुए एट इंसोमनिया गेम्स, वहाँ पे उनके इंटरनल डॉक्यूमेंट से हमें पता चला कि जो स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज बन रही थी या फिर वुल्वरीन फ्रेंचाइज बन रही थी, उन गेम के जो बजट्स है वो हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जा रहे हैं। कुछ हंड्रेड मिलियन डॉलर्स के बजट थे, 200 मिलियन डॉलर्स का बजट था। साथ ही साथ अगर हम लोग ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5 जैसे बड़े गेम की बात करें तो उसके भी जो बजट्स है वो भारी भरकम रहते हैं। GTA 6 अगर हम रीसेंट टाइम्स में देखें तो रिपोर्टेडली उसका जो डेवलपमेंट बजट है दैट इज़ अबाउट $2 बिलियन। मतलब $2 बिलियन अगर हम लोग बात करें तो 2 × 80, राउंड अबाउट मैं 80 का फिगर ले रहा हूँ, 2 × 80 दैट इज़ समवेयर अराउंड 16,000 करोड़ रुपीज़ के इक्विवेलेंट में वो गेम के ऊपर खर्चा हुआ है। यही चीज़ हम लोग अगर इंडिया में देखें तो इंडिया में गेम डेवलपमेंट की तरफ फंडिंग जो है वो बहुत कम है। अगर हम लोग देखें आसपास के जो कंपनीज़ है या फिर जो भी कंपनीज़ यहाँ पे फंडेड है, जो प्रॉपर हार्डकोर गेम डेवलपमेंट कंपनीज़ हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं वो कंपनीज़ की बात में नहीं कर रहा हूँ जो गैम्बलिंग सेक्टर में आते हैं या फिर रियल मनी गेमिंग सेक्टर में आते हैं, उनका बात तो पूरा अलग है, वो तो पूरा कैश फ्लो वाला बिजनेस है। बट हार्डकोर गेम्स जो रहते हैं जो PC प्लेटफॉर्म के लिए बनते हैं या कॉन्सोल्स के लिए बनते हैं, वहाँ पर इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं होती। अब एक्सप्लोर करते हैं ऐसा क्यों है। वो प्राइमरी रीज़न इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे लोग क्विक रिजल्ट्स देखना चाहते हैं। अगर मैं आपको बताऊँ तो मोबाइल गेम्स जो है वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। इसके दो रीजंस है, वो एक रीज़न ये है कि ऑफकोर्स जैसे मैंने बोला टाइम ज़्यादा लगता है एक बड़ी क्वालिटी का गेम PC या फिर कॉन्सोल क्वालिटी का गेम बनने में ज़्यादा टाइम लगता है। सेकंड रीज़न है पायरेसी। अगर हम लोग देखें काफ़ी सारे लोग गेम्स के लिए पैसे खर्च करना नहीं चाहते एंड दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अगर आप देखो एक गेम बनने के पीछे ढेर सारे लोगों की मेहनत लग जाती है, एंड स्पेशली अगर आप बात करो एक AAA क्वालिटी का गेम, उसके पीछे 100 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। एक AAA क्वालिटी का गेम बनने के लिए 100 से ज़्यादा लोग लग जाते हैं वो टाइप का गेम बनाने के लिए। अब इसके अंदर आपके प्रोग्रामर्स हो गए, आर्टिस्ट हो गए, फिर बाद में आपके गेम डिज़ाइनर्स, स्टोरी टेलर्स, म्यूज़िक आर्टिस्ट, साउंड डिज़ाइनर्स, गेम प्ले एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स, नैरेटिव जो डिज़ाइन करते, ये सारे लोग लग जाते हैं एक गेम बनने के लिए। अब ऑफकोर्स एक इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये भी है कि सोलो गेम डेवलपर्स भी होते हैं। दोस्तों सोलो गेम डेवलपर्स होते हैं, बट आपको एक बात समझनी है, ये जो बड़े क्वालिटी के गेम्स रहते हैं उनको बनाने के लिए कई सारे लोग लग जाते हैं, दैट इंक्लूड्स टेस्टर्स एज वेल। एंड इतने सारे लोग जब आते हैं एक साथ मिलके तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं, सॉफ्टवेयर्स के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं, एंड इट इज़ जस्ट अ वेरी वेरी हैवी इन्वेस्टमेंट। ढेर सारे करोड़ों रुपए लग जाते हैं इन मेकिंग सच हाई क्वालिटी गेम्स। एंड कहीं ना कहीं पे अगर हम लोग देखें इंडियन इकोसिस्टम में, इंडियन गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम में, वो जो पेशेंस लेवल है वो बहुत लो है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्विक रिजल्ट्स देखना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि चीज़ें जल्दी टेस्ट आउट हो, मार्केट में हम लोग लॉन्च करें कुछ और वहाँ पे ट्रैक्शन देख के उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को ट्वीक करें। बाहर के जो डेवलपर्स हैं वो अपना टाइम लेके गेम्स को बनाते हैं। हम लोग ने देखा है रॉकस्टार गेम्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज अपने गेम्स को पुश करती है, डिले करती है, प्राइमरीली बिकॉज वो लोग चाहते हैं कि उनका गेम लॉन्च होने के बाद कोई एक डिबैकल ना बने। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है व्हेन इट कम्स टू यू नो योर ओवरऑल गेम डेवलपमेंट सीन, क्योंकि हम लोग बहुत इनिशियल स्टेजेस में हैं। हमें ये चीज़ को रिकग्नाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग कहाँ पे पैसे खर्च कर रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम हमको ये भी समझना है कि मार्केट डायनामिक्स क्या है। अगर हम लोग इंडिया में से कोई एक हाई क्वालिटी का गेम बना रहे हैं, वहाँ पे हमें ये भी चीज़ रिकग्नाइज़ करना ज़रूरी है कि हम लोग कौन से मार्केट को टारगेट कर रहे हैं।
अगर फॉर एग्जांपल हम इंडिया में से एक बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी का गेम बना रहे हैं और हम लोग वेस्टर्न मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे हमारी टारगेट ऑडियंस वेस्टर्न मार्केट में सिचुएटेड है, तो वो एक बहुत ही बेटर स्ट्रैटेजी हो जाती है इंस्टेड ऑफ इंडियन गेम डेवलपर्स टारगेटिंग द इंडियन ऑडियंस फ्रॉम अ सिंपल पर्सपेक्टिव दैट यहाँ पे हम लोग जो पीसी गेम डेवलपमेंट सिनेरियो है या फिर पीसी गेमिंग कम्युनिटी है वो पैसे खर्च करना नहीं चाहती एंड बहुत नेगेटिव सिनेरियो है फॉर गेम डेवलपमेंट सीन एज सच, क्योंकि जब तक हम ये सारी चीज़ें एक दूसरे को दिमाग में रख के नहीं समझते तब तक ये नैरेटिव चेंज नहीं होगा। अब बात करते ऐसा क्यों हो रहा है। अगर हम देखें वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न गेम डेवलपर्स की हिस्ट्री में वो लोग गेम्स ऐसे हाई क्वालिटी की गेम्स ऑलमोस्ट लगभग 30 साल से ज़्यादा के टाइम फ्रेम से बनाते आ रहे हैं। अगर हम लोग रॉकस्टार गेम्स का एग्जांपल ले, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स ले या फिर अटारी ले या निंटेंडो ले या सोनी ले, तो ये सारे जो एस्टैब्लिश्ड बड़े बड़े नाम हैं वो 30 साल से ज़्यादा इस इंडस्ट्री में है। बट अगर हम लोग इंडियन गेम डेवलपमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन गेम डेवलपर्स अभी रिसेंटली इस स्पेस में एंट्री ली है, या फिर हम लोग इस स्पेस में थे बट मोर लाइक आउटसोर्सिंग पार्टनर्स थे या फिर हम लोग सर्विस प्रोवाइडर्स थे। मतलब ये जो भी आप बड़े बड़े गेम्स देख रहे हो जैसे फॉर्जा हो या फिर इवन ग्रैंड थेफ्ट ऑटो हो, वहाँ पर आप अगर उनके क्रेडिट्स लिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पर ढेर सारे इंडियन नाम आपको दिखेंगे। हाउएवर पास्ट में ऐसा कोई एक बड़ा टाइटल नहीं है, इंडियन टाइटल नहीं है जो एक्चुअली हम कह सके कि यार ये इंडिया का नीड फॉर स्पीड है या फिर ये इंडिया का ग्रैंड थेफ्ट ऑटो है, राइट। रीसेंट टाइम्स में ये नैरेटिव अभी चेंज हो रहा है जहाँ पे गेम डेवलपर्स एक्चुअली रिस्क ले रहे हैं, फंडिंग रेस कर रहे हैं, बट वो जो फंडिंग है वो अभी भी इतनी लेवल की नहीं है जितनी लेवल की फंडिंग बाहर के डेवलपर्स के पास है। हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडियन गेम डेवलपर्स के पास कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स है या फिर कुछ कुछ केस में हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स है जहाँ पे ये लोग फंडिंग रेस करते हैं और फिर बाद में प्रोसेसेस भी फिगर आउट कर रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल सिनेरियो है इसको एस्टैब्लिश होने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, इसी वजह से हम एज गेमर्स हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकेंड चीज़ है जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दैट इज़ अस गेमर्स हैविंग टू सपोर्ट सच गेम डेवलपर्स, क्योंकि हमें यहाँ पे जब तक हम लोग अपने ही टैलेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने ही टैलेंट को जब तक हम लोग गालियाँ देते रहेंगे तब तक अपने ही टैलेंट को मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो मेरी तरफ से आपको एक ही यू नो सजेशन है, अगर आपको कोई एफर्ट्स दिख रहे हैं आपके अराउंड होते हुए, कोई आपका एक दोस्त है जो गेम डेवलपमेंट में एंटर करना चाह रहा है, उनको सपोर्ट करो। The only problem with the game development scenario in India right now is recognizing this gap. Recognizing कि बाहर के जो developers हैं वो हमसे कई गुना ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, but we do have the talent over here, right here in India itself, जो ये चीज़ों को मुमकिन कर सकते हैं। हम दूसरी companies के लिए काम करने के बदले खुद की company build कर सकते हैं यहाँ पर, खुद के experiences build कर सकते हैं। I think one of the best examples in this case is Raji. Raji ने worldwide, globally प्रूव कर दिखाया कि इंडिया में से भी एक अच्छा क्वालिटी का गेम बन सकता है और यू नो इंडिया में से भी हम लोग Netflix के ऊपर जा सकते हैं, Nintendo Switch के ऊपर जा सकते हैं। तो राउंड ऑफ अपलॉज फॉर राजी डेवलपर्स, यू नो कमेंट सेक्शन में हो जाए यार राजी OP या फिर अपने साइड से जो भी सपोर्ट वगैरह कमेंट्स होंगे, बट आई थिंक दैट इज़ What needs to change? हमें ऐसे developers को support करना चाहिए और हमें motivate करना चाहिए कि यार आप लोग जाओ और games को launch करो, क्योंकि यहाँ से India में से हमारे पास काफ़ी सारी amazing stories हैं, amazing narratives हैं, interesting game mechanics बन सकते हैं gaming culture के Indian culture के around, जिसे use करके हम लोग globally popular हो सकते हैं। हमारी population तो है ही, साथ ही साथ western population भी है, वो लोग देखना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं इंडियन कल्चर। हमें बस अच्छा एक एक्सपीरियंस डालना है, हमें बस एक अच्छा नैरेटिव डालना है, अच्छा गेम बना के प्रेजेंट करना है विदाउट रशिंग, विदाउट फोकसिंग ऑन यू नो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स सो टू स्पीक, एंड एक अच्छा इकोसिस्टम बिल्ड करना है। बिकॉज बाहर के डेवलपर्स ने वही एग्जैक्ट चीज़ की है, काफ़ी स्लो गए हैं वो लोग और अब जाके उनकी जो ट्रैजेक्टरी है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो हुई है। हमें वही चीज़ को रिकग्नाइज करना है,
छोटे गेम्स तो बनाने ही हैं डेफिनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ बड़े गेम्स बनाओ, छोटे गेम्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। हमने देखे है कि छोटे छोटे गेम्स भी काफ़ी पॉपुलर होते हैं इंडिया में। से अगर हम लोग देखने जाए तो लूडो किंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ अ स्मॉल गेम रीसेंट टाइम्स में। पीसी के ऊपर भी हम लोग देखे तो फियर्स टू फैदम करके एक पीसी गेम है दैट इज़ क्रिएटेड बाय मुकुल नेगी, पब्लिश्ड अंडर रेल जो उनके स्टूडियो का नाम है। तो ऐसे गेम्स भी काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। तो मेरा बस यही एक कहना है कि यार प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं बट सामने हमारे सॉल्यूशंस भी बहुत सारे हैं, एंड जस्ट रिकॉग्नाइज दिस अपॉर्चुनिटी। अभी का जो टाइम है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स टू गेट स्टार्टेड इन द गेम डेवलपमेंट इकोसिस्टम। तो इस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, एंड डेफिनेटली अगर हम लोग कंबाइन मिलके एक लेवल तक हम लोग को पहुँचा पाए देन वी विल रूल द एंटायर वर्ल्ड। सो विद दैट इन माइंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा तो एक लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, मेरे चैनल को पहली बार ढूंढ रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अपने अगले वीडियो मिस नहीं कर पाऊँ। मैं गेम्स और गेम डेवलपमेंट रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मतलब मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।